नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आई बेल को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप कितना सपोर्ट करते हो भाई, जरूर सपोर्ट करो, प्यार से 15% से ऊपर होनी चाहिए सपोर्ट। 85% देख के भाग जाते हैं, फ्यूचर में आप 85% जो जा रहे हो पछताओगे, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके किसी ना किसी काम के लिए ही बनाया गया है, आपके सपोर्ट में हमेशा रहेगा। कोई भी अगर सच्चाई है तो आवाज़ उठाऊंगा मैं, कोई ना उठाए मैं उठाऊंगा, ये जिम्मेदारी लेता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कटिंग न्यूज़ आपको दिख रही है, ये न्यूज़ जो है लखनऊ से निकली है, आज ही की डेट की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में जो नियम बताए जा रहे हैं छात्रवृत्ति ना देने के कारण सभी वर्ग के स्टूडेंट को, वो नियम हम एनालाइज करके आपको बताते हैं। तो समाज कल्याण का एक अपना नियम है, पिछड़ा वर्ग विभाग का एक अपना नियम है, और जो यूपी सरकार है उसका अपना नियम है। समाज कल्याण उन स्टूडेंटों को वरीयता देती है जो सरकारी संस्थान में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ एडेड संस्थान में पढ़ते हैं। इसके बाद से पिछड़ा वर्ग विभाग जो है उसका अलग नियम है, वो क्या करती है कि जो हाईएस्ट नंबर पाया होता है उसके बाद से लोएस्ट की ओर नीचे आते, एक लिस्ट बनाते हैं, इस हिसाब से स्कॉलरशिप भेजते हैं सभी स्टूडेंट को, ये पिछड़ा वर्ग का नियम है। इसके बाद से राज्य सरकार एससी और एसटी को अलग वरीयता देती है, जिन घर के स्टूडेंट का आय सालाना 2.5 लाख या 2 लाख से कम है उनको स्कॉलरशिप बाकायदा दिया जाता है। लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ ये हर कास्ट के वर्ग के लड़कों में ऐसी ही आय जात पाई जाती है, 2.5 लाख सालाना या 2 लाख सालाना या 48,000 ही सालाना दिखाया जाता है, ये तो मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से वहाँ बनवा दिया जाता है जो भी आप कचहरी जाएंगे विभाग में। ये तो हो गई स्कॉलरशिप ना देने के कारण जो बताए जा रहे हैं। एक हर डिपार्टमेंट का अपना एक नज़रिया है, अपना एक टारगेट बनाया गया है, लेकिन मेरा गवर्नमेंट और समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग से एक ही क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट पैसा देकर पढ़ते हैं और सब मेहनत करते हैं, अगर वो पैसा देकर एडमिशन कराएं तो कम से कम उनकी फ़ीस तो वापस करनी चाहिए, आप पूरा स्कॉलरशिप नहीं दीजिए, उनकी जो फीस लगी वही वापस कर दीजिए। आप सभी का एक ही नियम बता देता हूँ, जितने भी संस्थान हैं उनका एक ही टारगेट है कि जो स्टूडेंट सरकारी संस्थान में पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप इसलिए दी जाती है क्योंकि वो मेहनत करके आते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर वो सरकारी संस्थान में एडमिशन कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनका नंबर भी कम मिलता है, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन फिर से यही सवाल उठता है कि आप जितने भी यहाँ पर ब्यौरा दे रहे हो ये सारे गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट लेटर एडमिशन कराता है इस वजह से फॉर्म नहीं डाल पाता, किसी के पास पैसा नहीं होता फॉर्म नहीं डाल पाता, तो प्राइवेट संस्थान में या एडेड संस्थान में पढ़ाई करता है, तो क्या वो स्टूडेंट टैलेंटेड नहीं है, क्या वो स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम नहीं निकालते हैं, क्या कोई एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं, ये आपके दिमाग में जो मतभरम इसे निकाल दीजिए, हर स्टूडेंट टैलेंटेड होता है तभी तो पढ़ाई कर रहा है। चलिए मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ, जो गवर्नमेंट कह रही है सारी चीज़ें सही है, लेकिन क्या यह सच्चाई है कि सारे कॉलेज और सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जितने भी छात्र उनकी स्कॉलरशिप आई है, नहीं आई है। देखिए इस बार जो स्कॉलरशिप दी गई है वो बहुत कम दी गई है, लगभग 10% करीब छात्र उन छात्राओं की स्कॉलरशिप दी गई है, वो भी चुनित करके जो बहुत कम नंबर पाए हैं और एससी एसटी से आते हैं, या जनरल में बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप दी गई है, वो भी 10 या 15% के करीब छात्र छात्राएँ होंगे। इसके साथ साथ अगर देखेंगे आप तो ओबीसी माइनॉरिटी में तो एकदम गायब है, कहीं पर स्कॉलरशिप दी ही नहीं गई है, लगभग कहीं कहीं दी गई है किसी किसी कॉलेज में, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल बना कर चले हैं लोग और स्कॉलरशिप को एकदम रोक दिया गया है। इनके हिसाब से तो कह रहे हैं कि फंड ही खत्म हो गया, लेकिन मेरा यही मानना है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं अभी ब्लॉक करने का या डायरेक्टेड ब्लॉक, इसमें तो गड़बड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।